कि आप बात कर रहे हैं इस तरह की पेरेंटिंग के बच्चे पे क्या इफेक्ट है, तो सबसे पहला जो इफेक्ट है जो कि बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है, यानी कि आप इसको बेनिफिट में काउंट कर सकते हैं, लेकिन हर चीज जो है वो एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो फिर वो नुकसानदेह हो जाती है। इसका एक फायदा यह है कि बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा होता है। कॉन्फिडेंट इसलिए होता है क्योंकि उसकी सेल्फ स्टीम को आपने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है, उसको वैल्यू बहुत ज्यादा दी है। जब आप उसको वैल्यू बहुत ज्यादा देते हैं तो उसकी सेल्फ स्टीम हाई होती है, जब सेल्फ स्टीम हाई होती है तो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है। इस तरह के पेरेंटिंग के अंदर जो बच्चे परवरिश पाते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके होते हैं। लेकिन इसका एक बुरा इम्पैक्ट ये होता है, कॉन्फिडेंट बास औकात ओवर कॉन्फिडेंट में कन्वर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। वो अपने बाउंड्रीज को, अपने लिमिट्स को क्रॉस करते हुए भी वो कुछ डिसीजंस ले रहे होते हैं। बहरहाल बनिस्बत दूसरे पेरेंटिंग के, एक फायदा इस पेरेंटिंग में ये है कि यहाँ बच्चा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। नुकसान की अगर हम बात करें तो यहाँ एक नुकसान ये है कि बच्चा जो है बहुत लेस रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। लेस रिस्पॉन्सिबल से मुराद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, क्योंकि उसको कभी जिम्मेदारी दी नहीं गई कि बेटा आपने जो है ना ये काम आपने करना है और ये काम आपका है। जैसे हम स्कूल गोइंग पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स को हम देखते हैं कि वो सुबह सवेरे जो है वो नाश्ता भी रेडी कर रहे होते हैं, फिर नाश्ते को दस्तरखान पे या टेबल पे रख भी रहे होते हैं, फिर बच्चे को उठा भी रहे होते हैं, फिर उसको ब्रश भी करवा रहे होते हैं, सब कुछ करवा रहे होते हैं। ये नहीं करते कि हम उससे कहें कि बेटा आप जो है वो नाश्ता रखा हुआ किचन में आप लेके इससे जो है वो इस्तेमाल करें। इस तरह के बच्चों को, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा लेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको जिम्मेदारी नहीं दी जाती पेरेंट्स के। इसके अलावा जो थर्ड की जो ड्रॉबैक है या इफेक्ट है बच्चे की लाइफ के ऊपर, ये होता है कि बच्चा जो है वो बहुत डिफिकल्टी फील करता है किसी रूल को ओबे करने के लिए, प्रिंसिपल को ओबे करने के लिए, किसी रेगुलेशन को ओबे करने के लिए बहुत डिफिकल्टी फील इसलिए करता है क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कभी इस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस को जो है वो इम्पोज करने की कोशिश ही नहीं की पेरेंट्स ने। तो इसकी वजह से बच्चा जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फील करता है कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में किसी रूल की अगर हम बात करें, कानून की बात करें, तो उसको फॉलो करते हुए बहुत ज्यादा जो है वो उसे डिफिकल्टी आती है। इसके अलावा इसके इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो परमिसिव पेरेंटिंग से परवरिश पाते हैं, इनका जो सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ रेगुलेशन है, वो बहुत कम होता है। अपने लिए बहुत सारे रूल्स बना लेते हैं, टाइम टेबल्स आपने बना लिए एग्जाम के करीब, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स को फॉलो करते भी नहीं देखा, या वो खुद जो है वो कभी फॉलो नहीं कर रहे थे किसी रूल को, किसी रेगुलेशन को। वो एक आजाद, यूं समझ लें, आजाद परिंदे थे। तो एक आजाद परिंदा अगर किसी पिंजरे में जाना चाहे तो शायद वो वहां पर उस तरह से रह नहीं सकता, या उसके लिए वो जो एनवायरमेंट है, वो जो रूम है, वो कंफर्टेबल नहीं रहता। तो उसकी कोशिश होती है कि वो अपने आप को वहां से आजाद करे। तो ये कुछ परमिसिव पेरेंटिंग के इफेक्ट्स हैं। अच्छा, जो कि मैं आपसे बात